जोहार दोस्तों, जय धर्म। आज मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा और आज मैं एक यात्रा जा रहा हूं। यात्रा का नाम है नागड़ा किनबिट्ठा उचड़ी जितिया यात्रा। इस यात्रा का परिदृश्य मैं थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूंगा, जिसमें आदिवासी समाज अपने ड्रेस में, परिधानों में, पारंपरिक परिधानों में नाचते गाते हुए दिखेंगे, उसी को मैं आज दिखाने का प्रयास करूंगा। तो अभी मैं निकलने वाला हूं गांव से और वहां जा कर के सीधे मैं आप लोगों को नाचते गाते हुए लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। और अभी आप लोग जानते होंगे कि हमारे आदिवासी समाज में संगी का परंपरा है, संगी का परंपरा है। इसमें हमारे गांव नगड़ा के लोग आज चिपरा बोबरो से संगी बुलाए हैं और वहाँ से लोग संगी आए हुए हैं और संगी का टीम है और वो संगी का टीम को ले जा कर के यात्रा में नाचेंगे, फिर घर आएंगे। हालांकि आज बारिश है, काफ़ी बारिश के चलते हमेशा डिस्टर्ब हो रहा है नाचना गाना, उनका स्वागत करना भी डिस्टर्ब हुआ, नाश्ता पानी देना भी डिस्टर्ब हुआ, लेकिन जो संभव हो सका उसको गाँव वालों ने दिया और आगे मैं नाचते गाते हुए दिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए आप लोग देखते हैं और संगी को जानते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आगे देखेंगे। संगी क्या होता है? संगी होता है कि जब भी हम दुख तकलीफ में हो उस समय भी उनसे सहायता लिया जाता है। जब संगी गांव को कुछ तकलीफ होती है तो उसको जा कर के साथ दिया जाता है, या हमें कुछ हमारे गांव को कुछ तकलीफ़ होगा तो उनसे भी सहायता लिया जाता है। संगी का मतलब सिर्फ नाचना गाना और खाना पीना नहीं होता है, बल्कि उसे समय समय पर सहायता करना भी होता है। तो चलिए उसको हम आज के वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। उचड़ी गांव के कोढ़ा में और यह उचड़ी गांव का ये कोढ़ा नाचते हुए और पारंपरिक ड्रेस में बहुत अच्छा लगता है उसको दिखा रहे हैं और आप उसको देख रहे हैं। ये पारंपरिक ड्रेस लाल पार साड़ी तो ये आज का है, जो अभी आधुनिक ये पीछे तरफ का ड्रेस है, लेकिन ये अंगरा जिसको बोलते हैं वह बहुत ही पुराना ड्रेस है जो देख रहे हैं। ये जिसको आप दिखा रहे हैं यह तुलुंग कहते हैं इसे, और ये तुलुंग हम लोगों का आदिवासियों का बहुत ही पुराना ड्रेस है, पारंपरिक परिधान है। इसका महत्व बहुत ही अधिक है आदिवासियों को पहचान दिलाने में।
पुष्प्रधान चामरा लिंडा को मुख्य अतिथि बनाया गया है। भी यहाँ पर बुलाया गया है, तो प्रयास करेंगे कि उनके भाषणों को भी इस वीडियो में जोड़ने का। लेकिन जो हम वही इतिहास समाज से जुड़ा रहता है, जो समाज का इतिहास होता है वो समाज समाप्त हो जाता है। तो ऐसा कहने के पीछे मेरा यही कहना है कि ये जतरा कल्चर है, संस्कृति है, पहचान है, ज्यादातर लोगों का भागीदारी होना माना होना चाहिए। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ये होगा अमिंदर मुझे त्यागना है। जितना ज्यादा पढ़ो लिखो उतना ज्यादा भागीदारी करो, उतना गौरव करो, उतना फक्र करो, उतना बजाना सीखो, उतना नाचना सीखो, उतना गीतों को समझना सीखो और गीत को गाना सीखो। हमारा ऐसा मानना है आदिवासियों के पास जो ये हथियार है जिसमें मांदर है, नगाड़ा है, ढोल है, गीत है, झुमरा है, धुलिया है, ये डॉक्टरों का डॉक्टर है। क्योंकि जो गांव इसको बचा के रखा है उस गांव के लोग जो उसको भागीदारी देते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसके बाद बीमारी जल्दी नहीं फटकता है। बड़े बड़े बीमारियां आ रही हैं, हाइपर कैंसर, ब्लड कैंसर, डायबिटीज और भी जितना भी बीमारियां आ रही हैं, इन सभी को दो तरह से अंत करता है आपका कल्चर, आपका नृत्य, आपका संगीत। और ये विश्लेषण हम अपने से नहीं बोलते हैं, ये विश्लेषण बड़े लोगों का, बड़े विश्लेषकों का, रिसर्च करने वालों का, वैज्ञानिकों का, मानव शास्त्रियों का, सोशियोलॉजिस्ट का ऐसा है। तो रिसर्च बोला थी तो चलते चलते बोला थी। तो हम ऐसी बातों को थोड़ा सा बढ़िया से बात को रखने चाहेंगे। अगर जतरा है तो चल किस्मों में कई दे जाते हैं हमें, और इसलिए आने पिछले कल में जो विषय हम छेड़े हैं उस विषय का मतलब ये है कि इसके पिछले कल में आपके दादा परदादा का जीवन आयु 100 साल से ज्यादा होगा। उसका कारण आप खोजेंगे तो क्या होगा, कारण भूलिए। अगर आप ढूंढना चाहेंगे इसका कारण को, तो आपके दादा और दादाओं ने इस नृत्य और संगीत को और गायन उसका कला को और नाचना को और देखना को और संस्कृति के प्रति जो रुझान था उसको त्यागा नहीं, उसको अपनाया, उस पर लगाया नहीं, उसको चलाया, उसको आगे बढ़ाया, इसीलिए उसके शरीर में बीमारियां नहीं जा पाई, उसने खुशियां दी, खुशियां आनंद, आनंद बहुत सारे बीमारियों को रौन के हटा देता है। गीत से और नृत्य से आनंद आता है और एक्सरसाइज कसरत तो सभी बीमारियों का दवा है। झुमरा और झुलिया और हर मास का गाना और बजाना और देना आपका हार्ट अटैक होने वाला चीजों को, जो नर्क में ब्लॉक होने वाला है खून, उसको भी बजरा की तरह फरफरा के पहुंच के वो मरने वाला व्यक्ति को भी जिंदा करता है। ऐसा ये इलाज है, ऐसा ये दवा है। आप इस करके देखेंगे तो पाएंगे इसको। और हम आपसे सही बातें नहीं कर रही हूँ, ये सारी बातें बड़े बड़े रिसर्च करने वालों का कथा है। तो आपके पूर्वों ने आपके लिए बहुत बड़ा संपत्ति प्रदान किया है, बहुत बड़ा चीज बना दिया है आपको। जैसे आप धान को पूरा में बांध के रखते हैं तो मोरा का धान को साल दो साल तक खाते रहते हैं, उसी तरह से आपको आपके पुत्रों ने ये कल्चर और ये संस्कृति और ये इतिहास आपको सौंपा है। बचावा तो बचावा, डुबावा तो डुबावा, बचाना है, डुबावा नहीं।
हम आपको नहीं कहेंगे आज के दिन में, कभी कभी और समय मौका मिलेगा तो आपको इनके ऊपर फिक्र गहराई पर ही विश्लेषण करेंगे जो कि तो चूंकि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जिस विषय में आपको जानकारी होगा उस विषय में आपको लगाव होगा। अगर आपको पता है कि इसका क्या लाभ है तो आप उस पर ज्यादा रुचि रखेंगे और अगर पता नहीं है तो हमारी भी सीट करेंगे। जैसा कि ज्यादातर जगहों में होता आ रहा है ऐसा इसलिए शायद हुआ कि 200-300 सालों में आप अपने पूर्वजों को चीजों को बहुत ध्यान से रख नहीं पाए, आप गुलामी के शिकार रहे, आप अपना परंपरा पढ़ा वगैरह पर बहुत ज्यादा संक्रमण आया तो रिलीजन पर भी धर्म पर भी बहुत ज्यादा हमला हुआ तो इसलिए आप बच नहीं पाए और उस हमला का शिकार होकर जरूर हम हराश हुआ है उसको पूरा फिर से व्यवस्थित करना है, अच्छा करना है। तब देखेंगे आप गौरव से अपना सीना चौड़ा करेंगे, दुनिया को बता पाएंगे कि आप कौन है, क्योंकि आपका पहचान इसी से है, भारत देश भी आपको इसी से पहचानता है, इसी संस्कृति से पहचानता है, भारत का संविधान भी इसी संस्कृति से पहचानता है, दुनिया यूनाइटेड नेशन इसी से पहचानता है। वर्ल्ड में कहीं कहीं भी जाएंगे तो आप कौन है, क्या है, उड़ाव है तो कैसे उड़ाव है, चेहरा कैसे पहचानता है, वो इसी से पहचानता है, इसको बचा के रखना। धन्यवाद।